संजना, संजना। सर आपने तो मुझे डरा दिया, बताइए आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? संजना तुमसे बहुत जरूरी काम है और मैं सिर्फ तुम पर ही भरोसा कर सकता हूँ। हाँ सर बताइए काम क्या है? संजना इस शहर में कुछ बड़ा होने वाला है, वो बहुत ही खतरनाक। खतरनाक? कैसा खतरनाक सर? ये सब बताने का वक्त नहीं है, और ये लो ब्रीफकेस और CID तक पहुँचा दो। लेकिन सर इस ब्रीफकेस में क्या है? ये सब तो मैं बाद में बताऊंगा, वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। लो और जल्द से जल्द भागो यहाँ से। लेकिन सर। लेकिन लेकिन कुछ नहीं। सर! सर क्या हो गया? जाओ, जाओ यहाँ से। जाओ, जाओ भागो यहाँ से, भागो, अभी जल्द भागो, नहीं तो बोला होगी तुम्हें मार देंगे। जाओ। ये तो गया काम से, देख इसको। कहाँ गई? अभी तो सामने ही थी, यही होगी आसपास में। तू ऐसा कर, तू उधर देख, तू उधर देख, मैं सामने देखता हूँ। ये भाई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? उठा लो भैया। मेरे जैसा दुनिया में कोई भी नहीं, इसे ढूंढती नजर लगे तू ही अब। स्कूटी इधर है तो लड़की भी इधर ही होगी, यही कहीं होगी आसपास में, ढूंढो उसे, मैं इधर देखता हूँ।
इतने सारे कॉल्स? संजना के फोन का लोकेशन इस घर में बता रहे हैं। चलो देखते हैं। सचिन, ये देखिए सर, संजना का मोबाइल यहाँ पे गिरा हुआ था। जिस तरह से कमरे का सामान बिखरा है, लगता है हाथापाई हुई यहाँ पे। तो देखो आसपास। तो ये सैंडल, ये आसपास टायर का निशान भी है। ये देखिए स्कूटी पड़ी है। सर ये तो संजना की स्कूटी है। सर संजना की स्कूटी है। सर ये बात तो तय है कि आपकी बहन संजना यहाँ आई थी, मगर वैसे सुनसान गांव में इतनी रात गए आई क्यों थी? पता नहीं सर, पर रात को 9 बजे मेरी उससे फोन पर बात हुई थी। उस वक्त तो सर वो अपने घर में ही थी। तो आपको उसकी बातों से लगा कि वो रात को कहीं जाने वाली है या उसे किसी से खतरा है? नहीं सर, संजना को आखिरी फोन रात को 9:30 बजे आया था और ये नंबर किसी बॉस के नाम से फीड है। ये संजना का बॉस कौन है? सर संजना ऑशियन एंटरप्राइज नाम की कंपनी में जॉब करती है और शायद उसके बॉस का नाम शायद अमृत लाल है। सर जरा इस बॉस के नंबर पे फोन लगाओ। नंबर तो आउट ऑफ रीच आ रहा है सर। आउट ऑफ रीच, उसके बॉस अमृत लाल से मिलना पड़ेगा। कहाँ ये ओशन एंटरप्राइज? अजय ये सर, ये सारी डिटेल्स एक अलग पेपर पे नोट कर लो, कुछ छूटना नहीं चाहिए। और हाँ 1 घंटे के अंदर मुझे दिखाओ, ठीक है? ठीक से सब कुछ समझ लो, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं समझ में आता है तो दोबारा पूछ लो। ठीक है सर। तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें क्या करना है। यस, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सीआईडी, इस लड़की के बारे में जानकारी चाहिए। संजना आपके यहीं ऑफिस में काम करती है ना? संजना? नहीं नहीं, संजना नाम की कोई लड़की यहाँ काम नहीं करती। इनफैक्ट मैंने इसे पहली बार देखा है। लेकिन इसके भाई ने हमें बताया कि वो ओशन एंटरप्राइजेस में काम करती है और कोई अमृतलाल इसका बॉस है। हाँ हाँ, ओशन एंटरप्राइज यही है, लेकिन अमृतलाल नाम का आदमी यहाँ कोई नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? दो लोगों के यहाँ काम करने की खबर है हमें और आप इनमें से किसी को नहीं जानते। आप लोग देखिए, संजना नाम है इस लड़की का, आपने देखा है? आपने? सर मैं यहाँ पे 10 साल से काम कर रहा हूँ, पर इतने दिनों में मैंने इसे यहाँ कभी नहीं देखा। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि
संजना ने समीर से झूठ बोला तो यहाँ नहीं बल्कि कहीं और काम करती है। वो ऐसा झूठ क्यों बोलेगी? अगर झूठ बोलना होता तो इसी ऑफिस का नाम क्यों लेती? कुछ ना कुछ संबंध तो है उसका इस ऑफिस से। सर, संजना के पिछले हफ्ते के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन की डिटेल्स आई हैं। किसकी बात कर रहे हैं ये लोग? पता नहीं सर। तो आप लोगों में से कोई भी संजना को नहीं जानता? नहीं। आप लोगों ने इसे पहले कभी देखा नहीं? अरे सर, मैंने भूल दिया ना, नहीं देखा तो नहीं देखा। नहीं देखा। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? संजना के मोबाइल फोन के लोकेशन रिकॉर्ड से ये पता चला है कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक वो यहाँ पर आई थी इस ऑफिस में। कुछ याद आ रहा है सर। बात समझते हो लेकिन थोड़ा देर से। क्या याद आ रहा है? मैंने उसे उस कैबिन में देखा था सर। उस कैबिन में? जी। सचिन, चलो जरा कैबिन देख लेते। अगर यहाँ पे काम करती तो फिर उसका सामान कहाँ है? लगता है किसी ने उसका सामान यहाँ से हटा दिया है ताकि संजना के बारे में किसी को कुछ पता ना चले। चेक करते हैं, शायद कुछ सुराग मिल जाए। कंप्यूटर में से भी सारा डाटा निकाल दिया गया है। सर, सही देखिए, टेबल के नीचे चिपकाया गया था। टेबल के नीचे? लगता है संजना ने छुपाया होगा और जिसने भी सामान यहां से गायब किया उसकी नजर इस पे नहीं पड़ी। 13th floor? तुम लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बात के रखा है? मुझे जाने दो, मुझे कुछ नहीं पता। ये तो तुमने कहा, हमने माना कहा। अब साफ साफ बता दो कि वो ब्रीफकेस कहाँ है और हम तुम्हें जाने देंगे। तुम लोग किस ब्रीफकेस की बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तेरे रोने से हम तुझे छोड़ने वाले नहीं है। हमें सब पता है कि वो ब्रीफकेस तेरे बॉस के पास था। नहीं, उन्होंने मुझे किसी ब्रीफकेस के बारे में कुछ नहीं बताया। तो तुम वहाँ इतनी रात को करने क्या गई थी? मैं वो उन्होंने मुझे कुछ कहने के लिए बुलाया था लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बताते तुम लोग आ गए। ये ऐसा नहीं मानेगी, इसका इलाज करना पड़ेगा। इसका इलाज है मेरे पास। अरे भाई, 10 साल पुराने कर्मचारी, जरा ये बताओ ये जो बिल्डिंग है ये कितने माले की है? सर, 12 माला। सचिन, पूर्वी, जरा इनसे ठीक से पूछताछ करो, पता करो ये झूठ क्यों बोल रहे हैं। तब तक हम लोग देखते हैं इस 13वीं मंजिल का माजरा क्या है। इस लिफ्ट में तो सिर्फ 12 बटन, तो इस बिल्डिंग में 13 फ्लोर कैसे हो सकता है?
तो फिर ये 13वें फ्लोर का चक्कर क्या है? ये पीछे जो मैग्नेटिक स्ट्रिप है, ऐसा लगता है इसे कहीं पे स्वाइप किया जाता होगा। 12 फ्लोर और ये क्या बात है? एक छुपा हुआ 13वां फ्लोर और उस पर जाने के लिए खुफिया रास्ता, लेकिन ये सब यहां पे क्यों कर रखा उसने? कोई बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है यहां पे। संजना को इस ऑफिस में देखा ही नहीं। संजना इसी फ्लोर पे काम करती थी, उस कैबिन में, और तुम लोगों में से उसे कोई नहीं जानता। और तुम सब के सब चुप क्यों? बोलते क्यों नहीं? हाँ? तुम तो यहाँ के बॉस हो ना? हाँ? तुम्हें नहीं मालूम कि ऑफिस में क्या हो रहा है? पहले झूठ बोलते हो कि संजना को नहीं जानते, और आप चुप्पी लगा रखी है। ठीक है, कुछ मत बोलो तुम, लेकिन जब हम बुलवाना शुरू करेंगे ना, तो तुम सबकी जुबान पे छाले पड़ जाएंगे, समझे? सर, हमें इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। क्या बात, अपने एम्प्लॉयज के बारे में कुछ नहीं जानते तुम? तुमसे ऊपर कौन, बॉस कौन है तुम्हारा? मैं सच कहता हूँ, मैं उन लोग को नहीं पहचानता। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम जिनके लिए काम करते हो उनको जानते भी नहीं? हाँ, ठीक है, जितना तुम जानते हो उतना बताओगे। एक तरफ से अब सफाई शुरू, शुरुआत तुमसे। ये सब नाटक था। कैसा नाटक? मैं कोई बॉस नहीं हूं, मैं सिर्फ एक एक्टर हूं। क्या? एक्टर? हाँ, मैं सिर्फ एक्टर हूं। ये शूज और कपड़े, ये सब दिखावा है, मैं कोई बॉस नहीं हूं। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? काम करने की एक्टिंग, बॉस होने की एक्टिंग। पेपर में ऐड देखी कि यहाँ एक्टिंग करनी है सच में, तो मैं यहाँ इंटरव्यू देने चला आया। और तुम्हारा इंटरव्यू कौन ले रहा था? मैं उनको नहीं चा... हाँ, हाँ, उसने टोपी और चश्मा पहना था, और उसने कहा कि अगर तुम यहाँ काम करने की अच्छी एक्टिंग करोगे तो तुम्हें चाय, नाश्ता और अच्छी पगार मिलेगी। और इसलिए तुमने ये नहीं सोचा कि ये भी पता कर लो कि ऑफिस में चल क्या रहा है? हाँ? सर, इन सबको सब कुछ पता है, ये बस सबसे सच्चाई छुपा रहे। ठीक है, इन सबको ब्यूरो ले चलते, सारी सच्चाई वही बताएंगे ये लोग। ये सीआईडी हमें गिरफ्तार कर लेंगे। भागो यहां से, भागो सब लोग। चलो आगे देखते हैं। धूल जमी हुई है, पता नहीं यहाँ कोई आता भी है कि नहीं। यहाँ आने के लिए खुफिया रास्ता है, और इस जगह को बहुत छुपा के रखा है, तो कुछ ना कुछ तो होगा यहाँ। आए,
ये तो बड़ी अजीब पेंटिंग है। इस पेंटिंग में क्या समझ में आ रहा तुम्हें? नहीं नहीं, पेंटिंग में नहीं, पेंटिंग के पीछे यहाँ कोई आउटलाइन नहीं है, चारों तरफ धूल है। या तो ये पेंटिंग अभी लगाई गई है या फिर इसे बार बार निकाला जाता है। ये तो खोखली है। सिक्योरिटी सेफ वॉल्ट लगता है, ऐसे नहीं खुलेगा। किसी एक्सपर्ट सेफ खोलने वाले को ही बुलाना पड़ेगा। ये आखिरी मौका है तेरे पास। साफ साफ बता दे कि ब्रीफकेस कहाँ है, क्योंकि इंजेक्शन लगने के बाद तेरी बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। नहीं, 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 प्लीज, प्लीज मुझे जाने दो, सर मत करो, प्लीज। देख, सिर्फ 20 मिनट है तेरे पास, उसके बाद तो खुद लाश हो जाएगी। इसलिए पूछता हूँ, बता दे कहाँ है वो ब्रीफकेस? मुझे कुछ नहीं पता। अब यही मरना चाहती है तो हम क्या करें? 15 मिनट बाद इसे एंटीडोट दे देना, जहर का असर खत्म हो जाएगा और ये होश में आ जाएगी। हम लोग अभी नहीं इसे मार सकते जब तक ब्रीफकेस का पता नहीं लगता। सही है। एक मिनट, बॉस सब ठीक है? अब तक तो सब ठीक है। अच्छा बताओ, ब्रीफकेस मिला? नहीं बॉस, लेकिन मिल जाएगा जल्दी, इसी लड़की ने कहीं छुपाया है। ध्यान से सुनो, सीआईडी बिल्डिंग में आ गई है। उन लोगों ने 13वें फ्लोर का पता कर लिया है और वहां पहुंच भी गए हैं। अब क्या होगा बॉस? होना क्या है, अपने प्लान को अंजाम देने का वक्त आ गया है। 13वां फ्लोर सीआईडी के लिए शमशान बन जाएगा। Are you sure ये वॉल्ट खोल सकते हैं आप? सर, ये कोबाल्ट कंपनी का बना हुआ बहुत ही एडवांस और हाई सिक्योरिटी वाला सेफ है। ये उतना ही मजबूत और सुरक्षित है जितना बैंक्स के वॉल्ट्स होते हैं। इसे खोल पाना आसान नहीं है सर। अरे लेकिन आप तो ऐसे लॉकर खोलने में एक्सपर्ट है। बिल्कुल सर, लेकिन मुझे भी थोड़ा वक्त लगेगा इसे खोलने में। फिर भाई कितना टाइम लगेगा? कह नहीं सकते सर, कई घंटे भी लग सकते हैं। घंटे लग सकते हैं? कोई और तरीका नहीं इसको खोलने का? है सर, गैस कटर। गैस कटर से इसे काटा जा सकता है, लेकिन अगर उस तरीके को अपनाया तो ये इतना महंगा सेफ हमेशा के लिए खराब हो जाए। कोई बात नहीं, आप काट दो। आर यू श्योर सर? काट दूं? काट दो, क्योंकि अभी सेफ के मालिक को इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ने वाली। भाग ले मेरे बाप यहां से, जल्दी भारी पड़ गई, भाग। तुम लोगों को क्या लगा आसानी से निकल जाओगे? हम इससे एक्टर हैं, चलो। बहुत एक्टिव हो गई, चल।
आइए एक्टर साहब, आप भी आइए, बहुत हो गई एक्टिंग, चलो सब खड़े हो जाओ लाइन में। तुम लोगों को क्या लग रहा था, आसानी से भाग जाओगे यहाँ से? सर हमें जाने दिए सर, हमें कुछ भी नहीं पता है सर। सर हम तो सिर्फ एक्टर हैं, सर हमें क्या पता सर यहाँ क्या चल रहा है। सर हम तो बस एक्टिंग कर रहे थे और इस काम के सर हमें पैसे मिले थे, बाकी और कुछ नहीं पता सर, हम निर्दोष हैं सर। बहुत हो गई एक्टिंग तुम्हारी, समझे? जब तक हम नहीं कहते कोई यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, समझे? सर, सर एक लड़की और थी यहाँ वाइट टॉप में। अरे हाँ, एक काम कर, पूरी ज्यादा दूर नहीं गई, देखो सर। सुनो। जी मैडम। कुछ देर पहले एक लड़की यहाँ से बाहर गई है। लड़की नहीं तो मैडम, मैंने नहीं देखा। सफेद टॉप पहन रखा था उसने, उस पर ब्लू डॉट्स भी थे। हाँ मैडम, वो इधर वॉशरूम में गई है। चल। मैंने क्या किया? आप मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? मैंने क्या किया है? तो भाग क्यों रही थी? तो क्या करती? अगर कुछ बोलती तो वो लोग मेरी जान ले लेते, और जब कुछ नहीं बोल रही थी तो आप लोग मेरी जान के पीछे पड़े थे। देखिए सीआईडी के रहते हुए आपको कुछ नहीं होगा, ये बताइए कि क्या चल रहा है यहाँ पे? सर यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है, मैं यहाँ कई महीनों से काम कर रही हूँ, लेकिन हमें यहाँ पर सवाल ना करने और मुंह बंद रखने के लिए बोला गया है। संजना के साथ क्या हुआ? पता नहीं, 2 महीने पहले यहाँ से एक एम्प्लॉय गायब हुआ था, अभी तक नहीं मिला। वो यहाँ छुप छुप के ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। देखो जो कुछ भी है प्लीज हमें सब कुछ सच से बताओ। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानती, लेकिन हाँ आज सुबह मुझे कॉल आया था और उसमें मुझे धमकी दी गई थी कि संजना के बारे में कुछ मत बोलना। वो कॉल किसने किया? किसी अनजान आदमी का कॉल था, प्राइवेट नंबर से, लेकिन मैंने उसकी कॉल को रिकॉर्ड किया है और अपने कंप्यूटर में सेव कर लिया है। बताओ कौन सी फाइल जिसमें फोन कॉल सेव किया है? अब ये इसके नीचे वाली फाइल। ए, अरे पीछे, सारे पीछे, नीचे, नीचे। देखो अजय, छोड़ो से। नहीं छोड़ूंगा मैं से।
अजय मैंने कहा लड़की को छोड़ दो, छोड़ दो लड़की को, तुम्हें जो कुछ कहना है हमसे कहो। नहीं सर, आप इन लोगों को नहीं जानते सर, ये मेरे साथ मेरे पूरे परिवार को मार डालेंगे। अजय सीआईडी है ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को, छोड़ दो। क्या कर लेंगे सर आप, क्या कर लेंगे? अजय तुम्हें जो कुछ भी कहना है हमसे कहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, वादा करते हैं कुछ नहीं होगा तुम्हें, यकीन करो। ठीक है सर, सब बताता हूँ सर। जल्दी से एम्बुलेंसेस मंगवाओ, रेस्क्यू टीम बुलाओ जल्दी। तो मर चुका है। पंकज, पंकज इधर आओ। पंकज, हाँ क्या हुआ? Oh my God, जिंदा है। स्ट्रेचर लाओ। ले आओ। इतने सारे मलबे के बीच कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। अरे पूर्वी का मैसेज। क्या क्या
क्या लिखा है? लाल अलमारी। इसका मतलब वो कोई ऐसे जगह फंसी होगी जहाँ पर लाल अलमारी दिख रही होगी, है ना? चलो देखते। ये तो नहीं है लाल अलमारी। रेडी सर। लेकिन थोड़ा सा दर्द है। हाथ पे लगी है? बस ठीक हो जाएगा। दया सर, अभिजीत सर और सचिन सर कहाँ हैं ये लोग? अभी तक उनका पता नहीं चला है। आराम से सर। संभाल के सचिन सर, संभाल के सर, काफी चोट लगी आपको। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। दया सर और अभिजीत सर कैसे? वो मिल जाएंगे, चिंता मत करो तुम। चलो इट्स ओके। चलो अच्छी तरह से देखो। देखो दया कौन ढूंढ लेंगे, तुम चिंता मत करो, तुम ठीक हो ना? सेफ, हम लोग सेफ के नीचे, वहाँ पे दया वहीं सेफ के नीचे। जल्दी हमें ले जाए, तंबू में ले जाओ। चलो
जल्दी से बाहर निकालो इसे, जल्दी से बाहर निकालो। सांस नहीं चल रही है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।